नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल किया। उन्होंने भारतीय नौसेना की समृद्ध विरासत के नए ध्वज का भी अनावरण किया। श्री मोदी ने कहा, आईएनएस विक्रांत देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और विश्व पटल पर भारत के उभरते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के मंगलुरु में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व नारियल दिवस पर गुजरात के जूनागढ़ में नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह केरल के 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। गुजरात में सड़क दुर्घटना में 6 श्रद्धालुओं की मौत और 6 अन्य घायल। अमरीका ने कहा कि चीन के शिनचियांग प्रांत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि चीनी उइगरों का संहार हो रहा है। और जापान ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय ताइवान के छू तियन छन से क्वार्टर फाइनल में हारे। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। औपनिवेशिक काल के ध्वज को हटाकर ये नया ध्वज भारतीय नौसेना की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आईएनएस विक्रांत विश्व के क्षितिज पर नए भारत के उदय का प्रतीक है। केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये विशाल पोत कई मायनों में विशिष्ट है। ये केवल एक युद्ध पोत नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम, प्रतिभा और 21वीं सदी में भारत की प्रतिबद्धता और बढ़ते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंध है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्धपोत विक्रांत आजादी के अमृत महोत्सव का अतुल्य अमृत है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने नौसेना, कोचिन शिपयार्ड के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और विशेष रूप से इस परियोजना पर काम करने वालों के योगदान की सराहना की। उन्होंने आईएनएस विक्रांत को लाल किले के प्राचीर से घोषित 5 प्रण का जीवंत प्रतिमान बताया। स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से 5 प्राण का आह्वान किया। इन 5 प्राणों में पहला प्राण है विकसित भारत का बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग, तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर गर्व, चौथा और 5वां प्राण है देश की एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य। आईएनएस विक्रांत के निर्माण
और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपने जीवन में उतार ले तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना दूर नहीं होगा। बूंद बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक अगर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। जब सभी देशवासी लोकल के लिए वोकल होंगे तो उसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत का नौसेना में शामिल होना एक ऐतिहासिक अवसर बताया। अमृतकाल के प्रारंभ में आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दोहराती है। आईएनएस विक्रांत एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक एक्सेप्शनल सिंबल है। यह एक आइकन है राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। इसकी कमीशनिंग इंडिजिनस वारसित और कंस्ट्रक्शन की राह में एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज भारतीय नौसेना को नया ध्वज प्रदान करने और स्वदेश में निर्मित विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित करने को एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम क्षण बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करना मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति श्रद्धांजलि है। श्री शिंदे ने इस अवसर पर नौसेना को बधाई दी। आईएनएस विक्रांत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ है। इसे देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ साथ 100 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा आपूर्ति किए गए स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी का उपयोग करके बनाया गया है। एक रिपोर्ट। आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास देश के अंदर विमानवाहक पोत को डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है। आईएनएस विक्रांत समुद्र के ऊपर तैरता एक ऐसा एयरफोर्स स्टेशन है जहां से लड़ाकू विमान, मिसाइल और ड्रोन के जरिए दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नष्ट नाबूद करने की क्षमता है। करीब 45,000 टन वजनी इस युद्ध पोत से 32 बराक 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये पोत 30 लड़ाकू जेट विमानों को समायोजित करने में भी सक्षम है जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और गाइडेड बमों से लैस है। इसके निर्माण में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका डिजाइन भारतीय नौसेना की एक संस्था वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। ये भारत के सामुद्रिक इतिहास में अब तक का सबसे विशाल पोत है। इसके नौसेना में शामिल होने से समुद्र में पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर भारत की उपस्थिति को मजबूती मिली है। रक्षा विश्लेषकों का तो यहां तक मानना है कि आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करके भारत पूरी दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति की पहचान कराने में निश्चित रूप से सफल हुआ है। समाचार कक्ष से मैं अफरोज आलम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका के मंगलुरु में हैं। अब से कुछ देर बाद श्री मोदी लगभग 3,800 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्व के 8 परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी मंगलुरु रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के BS6 उन्नयन परियोजना और समुद्र जल वी लवणीकरण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज प्रधानमंत्री द्वारा मंगलुरु में उद्घाटन हो रहे योजनाओं से मैंगलोर रिफाइनरी और न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट का विकास होगा और मछुआरों को आवश्यक सुविधा प्राप्त होगी। इस तटीय प्रदेश में लगभग 10,000 उद्योग भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने आज मंगलुरु में बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा आरम्भ किए जा रहे योजनाओं से दक्षिण कन्नड़ा जिले को आर्थिक मदद मिलेगी और लोगों को इसका लाभ पहुँचेगा। न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी द्वारा बनाए गए बर्थ नंबर 14 के मैकेनाइजेशन से कार्गो के निर्वहन में आसानी होगी। मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड में आरंभ हो रहे नए व्यवस्थाओं से आर्थिक प्रगति होगी और उद्योग का सृजन होगा। पीपीपी आधार पर 196.51 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाले फिशिंग हार्बर का लाभ मछुआरों को होगा और 8,500 लोगों को उद्योग मिलेगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
मंत्रिमंडलीय सुरक्षा कार्य समिति ने तेजस मार्क टू परियोजना को मंजूरी दे दी है। समिति ने लड़ाकू विमान के डिजाइन और विकास, उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के लिए 6,500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये धनराशि हिंदुस्तान वैमानिकी लिमिटेड को पहले दी गई 2,500 करोड़ रुपए की राशि से अलग है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के मत वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज विश्व नारियल दिवस के अवसर पर गुजरात के जूनागढ़ जिले में नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। श्री तोमर ने वर्चुअल माध्यम से केरल के कोच्चि में विश्व नारियल दिवस मनाए जाने की भी शुरुआत की। नारियल उत्पादक किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आमदनी में वृद्धि कराने के सरकार के वायदे को दोहराया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया में नारियल उत्पादन करने वाले अग्रणी देशों में शामिल है। श्री तोमर ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय के खुलने से राज्य में नारियल का उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने किसानों से पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत वैज्ञानिक तरीके और प्रौद्योगिकी अपनाने की अपील की। गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल और सांसद राजेश चूड़ासमा भी इस अवसर पर मौजूद थे। गृहमंत्री अमित शाह केरल के 2 दिन के दौरे पर आज शाम तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। वे अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कोवलम में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में भी भाग लेंगे। गृहमंत्री कल सुबह तिरुवनंतपुरम के निकट कोवलम में दक्षिण आंचलिक परिषद की बैठक को संबोधित करेंगे। तेलंगाना में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र सरकार गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए 1 किलो चावल पर 28 रूपये खर्च कर रही है। उन्होंने कामारेड्डी जिले के बीरपुर में चावल वितरित किए जाने के तरीके की जांच की और लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार के प्रयासों के बारे में सूचित करने की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों की है। श्रीमती सीतारामन जहीराबाद लोकसभा क्षेत्र के 3 दिन के दौरे पर हैं। झारखंड में राजनीतिक हलचल के बीच राज्यपाल रमेश बैस आज नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि राज्यपाल गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन यूपीए का एक प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लाभ के पद मामले में जल्द स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस बीच हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 5 सितंबर को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने का फैसला किया गया। इस सत्र में बहुमत साबित करने के लिए सरकार की ओर से सदन में विश्वास प्रस्ताव रखा जा सकता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का आम चुनाव आज हो रहा है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से पहले कोरोना महामारी सहित विभिन्न कारणों से चुनाव में विलंब होता रहा।
अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल परिसंघ फीफा ने कामकाज में अनावश्यक दखल का आरोप लगाते हुए 16 अगस्त को महासंघ पर पाबंदी लगा दी थी और कहा था कि महिला अंडर 17 विश्व कप भारत में कराया जाना अनिश्चित हो गया है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि महासंघ को रोजाना की जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। इसके बाद चुनाव की अंतिम तिथि तय की गई। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के 14 सदस्यों के लिए चुनाव होना है। गुजरात के अरावली जिले में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। ये हादसा अरावली के मालपुर तालुका के कृष्णा गांव के पास हुआ। पुलिस के अनुसार श्रद्धालु भद्रवी पूर्णिमा मेले में शामिल होने के लिए पैदल ही अंबाजी मंदिर की ओर जा रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 212 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 22 लाख 40 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.68% है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल किया। उन्होंने भारतीय नौसेना की समृद्ध विरासत के नए ध्वज का भी अनावरण किया। श्री मोदी ने कहा, आईएनएस विक्रांत देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और विश्व पटल पर भारत के उभरते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के मंगलुरु में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व नारियल दिवस पर गुजरात के जूनागढ़ में नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह केरल के 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। गुजरात में सड़क दुर्घटना में 6 श्रद्धालुओं की मौत और 6 अन्य घायल। अमरीका ने कहा, चीन के शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि चीन उइगरों का नरसंहार कर रहा है। और जापान ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय ताइवान के छू तियन छन से क्वार्टर फाइनल में हारे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत संयुक्त अरब अमीरात आयोग की बैठक में दोनों देशों ने भारत के यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से किसी भी देश में तत्काल भुगतान प्लेटफार्मों को जोड़ने की संभावना पर भी चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने कल अबुधाबी में की। इस अवसर पर 2 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शुक्रवार को 4 दिन की भारत यात्रा पर आएंगी। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि श्रीमती हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी भेंट करेंगी। हाल के वर्षों में भारत और बांग्लादेश ने सर्वोच्च स्तर पर विचार विमर्श जारी रखा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिर दोहराया है कि चीन में उइगर समुदाय के लोगों की मौत हो रही है। शिनचियांग प्रांत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर अमरीका की यह प्रतिक्रिया आई है। श्री ब्लिंकन ने कहा कि ये रिपोर्ट चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में मानवाधिकारों के उल्लंघन का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है, जिसमें उइगर समुदाय के लोगों, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का शोषण होने तथा उनसे जबरन मजदूरी कराए जाने की बात कही गई है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देशभर के 1 अरब 30 करोड़ से अधिक नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ
स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा वर्णन करता है। आज की कड़ी में हम आपके लिए 1966 से 1990 तक के भारत रत्न विजेताओं की जानकारी लाए हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार है, जो 1954 में स्थापित किया गया था। ये किसी भी क्षेत्र में असाधारण सार्वजनिक सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब तक 48 प्रख्यात हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 1966 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1971 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को ये पुरस्कार दिया गया था। 1975 में श्रमिक संगठन कार्यकर्ता और पूर्व राष्ट्रपति वी गिरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1976 में स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 1980 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया। 1983 में समाज सुधारक और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। जिन राष्ट्रों का परिचय रहा नहीं आस्था की कुदरत के साथ, वो नेशंस क्षीण होते हैं, उनका क्षय होता है, ये इसका अर्थ है। इस वास्ते खेती के साथ, निसर्ग के साथ संबंध रखना अत्यंत आवश्यक है। इस सिलसिले में वेद ने एक वाक्य आया है। वेद के वाक्य का अर्थ यह है कि सृष्टि में होना चाहिए सौंदर्य और समाज में होना चाहिए सौजन्य। 1987 में स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले गैर नागरिक थे। 1988 में अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1990 में भारतीय संविधान के शिल्पी और समाज सुधारक डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेट अस लीव असाइड स्लोगन, लेट अस लीव असाइड वर्ड्स विच फ्राइटन पीपल, लेट अस इवन मेक कंसेशन टू द प्रेजुडिसेस of our opponent. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. रंग भेद विरोधी आंदोलन के नेता और दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर नेल्सन मंडेला को उसी वर्ष ये पुरस्कार दिया गया था। Your Royal Highness, distinguished guests, comrades and friends, today all of you by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Our daily duty as ordinary South Africans must produce an actual South African reality. समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। कल की कड़ी में हम आपके लिए 1991 से 1999 तक भारत रत्न से सम्मानित विशिष्ट व्यक्तियों की जानकारी लेकर आएंगे। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास, हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है।
जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एचएस प्रणॉय क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए हैं। ताइवान की छू तियन छन के कड़े संघर्ष में उन्हें 17-21, 21-15, 20-22 से पराजित किया। हालांकि प्रणॉय ने अंतिम सेट में जीत के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। एशिया कप T20 में आज पाकिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20 क्रिकेट में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। ये दोनों टीमें भारत से हार चुकी हैं। ताइवान की सेना ने कल चीन के समुद्र में एक अज्ञात ड्रोन को मार गिराया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार शीयू द्वीप पर ताइवान के वायु क्षेत्र में ड्रोन के आने पर पहले उसे चेतावनी दी गई। स्थानीय मीडिया ने खबर दी है कि ताइवान सरकार ने अभी हाल में अपने वायु क्षेत्र में किसी अवैध प्रवेश से कड़ाई से निपटने का संकल्प लिया था। ताइवान अपने वायु क्षेत्र में चीनी ड्रोन आने की बार बार शिकायत करता रहा है। आज का संस्कृति संदेश केंद्रित है कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद स्मारक पर। ১৯৭০ में आशी के दिन यानी 2 सितंबर 1970 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ वीवी गिरी ने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि की अध्यक्षता में आयोजित एक भव्य समारोह में इस स्मारक का उद्घाटन किया था। 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। समुद्र के किनारे से तैर कर वे इस विशाल शिला तक पहुंचे थे। यही वो स्थान है जहां साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। स्वामी विवेकानंद के अमर संदेशों को साकार रूप देने के लिए 1970 में उस विशाल शिला पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। विवेकानंद स्मारक शिला का निर्माण भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में एक चट्टान के ऊपर किया गया है। समुद्र तट से 50 फुट ऊंचाई पर निर्मित ये भव्य और विशाल प्रस्तरकृति विश्व के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। स्मारक को जीवंत रूप देने के लिए 7 जनवरी 1972 को एक आध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन विवेकानंद केंद्र की स्थापना की गई। इसके कार्यकर्ता आज भी जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जनहित की कई गतिविधियां संचालित करके स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि देश में मॉनसून के जल्द समाप्त होने के कोई संकेत नहीं है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जेनमनी ने कहा कि सितंबर महीने में कई इलाकों में अधिक वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल किया। उन्होंने भारतीय नौसेना की समृद्ध विरासत के नए ध्वज का भी अनावरण किया। श्री मोदी ने कहा आईएनएस विक्रांत देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और विश्व पटल पर भारत के उभरते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के मेंगलुरु में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व नारियल दिवस पर गुजरात के जूनागढ़ में नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह केरल के 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। गुजरात में सड़क दुर्घटना में 6 श्रद्धालुओं की मौत और 6 अन्य घायल। और जापान ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय ताइवान के छू तियन छन से क्वार्टर फाइनल में हारे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।